Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit Welcome you to this program today. आज के इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है. And I want to talk about an interesting topic. और आज मैं बहुत ही दिलचस्प विषय पर बताना चाहता हूँ. Every human being that is born in this world. हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्मा है. We either belong to the kingdom of darkness or to the kingdom of light. एक तो हम अंधकार के राज्य के हैं या फिर हम ज्योति के राज्य के हैं. हम इन दोनों में से एक के हैं. When we are born, we are naturally born into the kingdom of darkness. और जब हमारा जन्म होता है तो स्वाभाविक रूप में हमारा जन्म अंधकार के राज्य में होता है. But as we grow in our life, as we get older and mature, और जैसे हम अपने जीवन में बढ़ते चले जाते हैं, परिपक्व होते जाते हैं, we come to a decision in our life whether we want to be members of the kingdom of light. तब हमें निर्णय लेना पड़ता है कि क्या हम सच में ज्योति के राज्य के सदस्य बनना चाहते हैं, क्या हम ज्योति के राज्य में आना चाहते हैं. How did these two kingdoms start? ये दो राज्य कैसे शुरू होते हैं? And what is the way for a human being to enter that kingdom of light? और उस ज्योति के राज्य में प्रवेश करने के लिए मनुष्य के लिए कौन सा मार्ग है? The title of my message today is Citizens of the Kingdom of Light. आज के मेरे संदेश का शीर्षक है ज्योति के राज्य के नागरिक होना. And the kingdom of light is the same as saying the kingdom of God. और ज्योति का राज्य यानी हम ये कह सकते हैं ये तो परमेश्वर का राज्य है. We will read a passage from Colossians chapter 1, 12 to 14. हम कुलुसियों अध्याय 1 वचन 12 से 14 तक यहाँ पर वचन का भाग पढ़ेंगे. It says, giving thanks unto the Father who has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in the light, who has delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption. Through his blood, even the forgiveness of sins. उस पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है. वचन कहता है उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है. ऐसे ये वचन यहाँ पर कहता है. So here we see about mentions about two kingdoms. यहाँ पर ये दो राज्य के बारे में बताता है. इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं. The kingdom of darkness. एक तो है अंधकार का राज्य. And the kingdom of light. और दूसरा है ज्योति का राज्य. Darkness doesn't mean just absence of this electrical light, not that darkness. देखिए अंधकार का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर बिजली नहीं है. इस तरह का अंधकार नहीं. That darkness is absence of the presence of God. लेकिन ये अंधकार जो है इसका मतलब है कि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है. And in that kingdom of darkness, there's evil, wickedness and sin. और उस अंधकार के राज्य में वहाँ पर बुराई है, दुष्टता है और पाप है. How did this kingdom come to place? और ये जो है राज्य ये कैसे आया? When God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. When God created the universe, जब परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया. It was a pure kingdom. ये तो एक बिल्कुल शुद्ध ऐसा राज्य था. There was righteousness. यहाँ पर धार्मिकता थी. There was no sin. इसमें कोई पाप नहीं था. Everything was good. सब कुछ बिल्कुल अच्छा था. And when God made man, Adam. और फिर जब परमेश्वर ने मनुष्य को आदम को बनाया. God himself said everything is good. परमेश्वर ने स्वयं कहा कि सब कुछ अच्छा है. Man was created holy in the image of God. मनुष्य तो परमेश्वर के स्वरूप में और पवित्र रूप में बनाया गया था. At that time there was no kingdom of darkness. और उस समय कोई भी अंधकार का राज्य नहीं था. But how did this come? लेकिन ये राज्य कैसे आया? It began before the creation of Adam. और ये तो आदम की सृष्टि के पहले से ही शुरू हो चुका था. God created the mighty angels of heaven. परमेश्वर ने स्वर्ग में प्रधान स्वर्गदूतों को बनाया. And there were millions of angels with God. और परमेश्वर के साथ में लाखों स्वर्गदूत थे. And they used to worship the Almighty God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते थे. And they lived in heaven with God. और वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में ही रहते थे. And there was absolutely no sin there. और वहाँ पर किसी तरह से कोई पाप नहीं था. Because it's God's kingdom. क्योंकि ये तो परमेश्वर का राज्य है. But there was one top angel called Lucifer. लेकिन वहाँ पर एक प्रधान स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर. And he was called an archangel. और उसे प्रधान दूत कहा गया है.
And he was very beautifully created. और उसे बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था. And he thought, why can't I be like God? और उसने सोचा मैं परमेश्वर के जैसे क्यों न बनूं? He was just next to God. वो बिल्कुल परमेश्वर के बाद में था. And he was leading the worship of God. और वो परमेश्वर की आराधना में अगुवाई किया करता था. But his heart got lifted up. लेकिन उसका जो दिल है वो घमंडी हो गया. He said, I am so beautiful, I am so wonderful. Why can't I be like God? और उसने कहा मैं इतना सुंदर हूँ, इतना अच्छा हूँ, मैं खुद परमेश्वर क्यों नहीं बन जाता? Why can't I receive the worship instead of God? क्यों ना परमेश्वर के बजाय मैं आराधना को प्राप्त करूं? And because of that thought entered his heart, sin entered into him. और उसमें ये विचार आया, इसके कारण उसमें पाप ने प्रवेश किया. And many angels were deceived along with him. और उसके साथ में बहुत से जो स्वर्गदूत थे वो धोखा खाए. And that whole group of angels which rebelled against God, they were cast out of heaven. और स्वर्गदूतों का वो पूरा समूह जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया था, उन्हें स्वर्ग से निकाला गया. And this Lucifer. और ये लूसीफर इज what whom we call now Satan. जिसे अब हम शैतान कहते हैं. एंड ही इज द किंग, ही इज द लीडर ऑफ द किंगडम ऑफ डार्क. और वही अंधकार के राज्य का अभी मुखिया हो गया है. एंड ऑल दोस इविल एंजल्स हु फेल विद हिम, हु बिकेम इविल, दे आर द इविल स्पिरिट्स व्हिच आर ट्रबलिंग पीपल. और वो सारे स्वर्गदूत जो उसके साथ में गिरे वो दुष्ट आत्मा बन गए, और वही तो हैं जो अभी लोगों को परेशान करते चले जा रहे हैं. एंड इट्स अ किंगडम. और ये तो एक राज्य है. एंड देयर इज अ लीडर एंड देयर आर सो मेनी रैंकिंग पीपल अंडर हिम. और वहां पर बहुत से उसके अगुवे हैं, उसके नीचे में बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं. एंड देयर वर्क इज टू डिस्ट्रॉय द थिंग्स ऑफ गॉड. और उनका काम है कि बस परमेश्वर की बातों को नाश करते जाए. Their work is to destroy the human being. उनका काम है कि मनुष्य जाति को नाश करते चले जाएं. Because human beings are made in the image of God. क्योंकि मनुष्य जो है वो तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं. And so this Satan and his demons, they hate the human being. और इसलिए शैतान और ये दुष्ट आत्माएं जो हैं ये तो मनुष्य जाति से नफरत करती हैं. Because they hate God. क्योंकि वो परमेश्वर से नफरत करती हैं. That is the kingdom of darkness. और यही तो अंधकार का राज्य है. Now once Adam was created. और जब आदम बनाया गया. He was made a very प्योर एंड राइटियस पर्सन. उसे बहुत ही शुद्ध और धर्मी व्यक्ति के रूप में बनाया गया था. And he was made in the image of God. और उसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया. God put him in a garden which was created specially for him. परमेश्वर ने उसे एक वाटिका में रखा जो खास करके उसके लिए बनाई गई थी. And God said, और परमेश्वर ने उससे कहा, of all the things that are in the garden, you may take and eat, but one tree do not eat. इस वाटिका में सब कुछ जो सारे जो पेड़ है इसका फल तू बेखट के खा सकता है, लेकिन एक पेड़ का फल तू न खाना. But Adam disobeyed God. लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी. Because God had given a partner to him whom he called Eve. और परमेश्वर ने उसे एक जीवन साथी दी थी जिसे हम हव्वा कहते हैं. And one day she was walking alone and she was deceived by Satan to eat that fruit. और एक दिन जब वो अकेली चल रही थी, शैतान ने उसे भरमाया और उसने वो फल खा लिया. He said, "Did God say don't eat? That is because He doesn't want you to become like God. He is deceiving you. That's what Satan told Eve." शैतान ने हवा से कहा, अगर परमेश्वर ने कहा है कि तू इसे नहीं खाना, ये तो बस इसलिए क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके जैसे हो जाओ. You will not die, he told her. उसने उससे कहा कि तुम मरोगी नहीं. And she believed him. और उसने उस पर विश्वास किया. And she took that fruit. और हव्वा ने वो फल ले लिया. And Adam saw that she had disobeyed God. और आदम ने ये देखा कि उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी है, भंग की है. And he also said, "Let me also go with her." And he also ate the fruit. और उसने कहा कि चलो, मैं भी इसके साथ में जाता हूँ. उसने भी उस फल को खा लिया. Maybe he didn't want to be lonely again. शायद हो सकता है कि वो फिर से अकेला रहना नहीं चाहता होगा. So they both fell away from God. और इसलिए वो दोनों के दोनों परमेश्वर से दूर चले गए. And from that time. और उस समय से लेकर. Whoever is born into this world, we are all descendants of Adam. जो भी संसार में जन्म लेता है, हम सब के सब आदम के वंश में ही हैं. Even science has proved it. They have traced the human genealogy to one couple. और देखिए, यहाँ तक कि विज्ञान ने भी इस बात के बारे में कहा है, और उसने पूरी मनुष्य जाति का अभ्यास करके कहा है कि पूरी मनुष्य जाति जो है वो तो केवल एक ही दंपत्ति से आई है. And that couple is Adam and Eve. और वो जो दंपत्ति है वो तो आदम और हव्वा है. But after they fell, the whole human race has come under the kingdom of darkness. और उनके पतन के बाद में देखिए क्या हुआ, पूरी मनुष्य जाति जो है वो तो अंधकार के राज्य में उसके वश में आ गई. Every human being who is born, man, woman, every human being, child, comes, is born in sin. हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जो भी हो, सब पाप में ही जन्म लेते हैं. King David the psalmist says, राजा दाऊद जो कि भजनकार है, वो कहता है, In sin did my mother conceive me. पाप में मेरी माँ ने मुझे धारण किया. Born in sin. मैं पाप में जन्मा हुआ कहता है. We all were born in the kingdom of darkness. हम सब अंधकार के राज्य में ही जन्मे हैं. But God's plan was not that
human beings should remain in the kingdom of darkness. लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि बस मनुष्य जाति ऐसे ही अंधकार में बनी रहे. There is a verse in Romans chapter 5, 18 and 19. रोमियो अध्याय 5 वचन 18 और 19 में एक वचन है. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one man, that is Jesus Christ, many shall be made righteous. इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ. क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे. जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे. So as one man fell away from God and brought everyone into the kingdom of darkness. और जैसे एक मनुष्य परमेश्वर से दूर चले जाता है और सारे मनुष्य जाति को वो अंधकार में लेकर आ जाता है. The same way, one man's obedience, his name is Jesus Christ. By his obedience and his righteousness, we are taken out of the kingdom of darkness and brought back into the kingdom of light. उसी तरह से एक मनुष्य, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, उसकी आज्ञा मानने से हम लोग अंधकार के राज्य में से निकाले जाते हैं और हम ज्योति के राज्य में प्रवेश करती हैं. At the end of this program, I will tell you how you can come into that kingdom of light. इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस ज्योति के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं. What happens to those people who are in kingdom of darkness? How do they live? तो फिर जो लोग अंधकार के राज्य में रहते हैं, उनके साथ क्या होता है? वो कैसे रहते हैं? That means all of us before we came to kingdom of light, we were in that darkness. इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग जो ज्योति के राज्य में आए हैं, वो तो पहले अंधकार में थे. So what is the life of a person in darkness? यानी जो व्यक्ति अंधकार में रहता है, उसका जीवन क्या होता है? The first thing is they would be naturally committing sin. और निश्चय सबसे पहली बात यह है कि वो स्वाभाविक रूप में पाप करते चले जाते हैं. They don't. No one has to teach them how to tell lies and steal and do all the wrong things. They do it naturally. और किसी को उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि चोरी कैसे करे, झूठ कैसे बोले. ये सारी बातें स्वाभाविक रूप में ही उनके जीवन से आती है. Because it's the nature. क्योंकि ये तो उनका स्वभाव हो चुका है. We are in that kingdom. हम उस राज्य में हैं. And the things of the kingdom we will be doing. और हम उसी राज्य की जो बातें हैं केवल वही करते चले जाएंगे. The second thing about the people in darkness is. और जो लोग अंधकार में हैं उनके बारे में दूसरी बात तो ये होती है. They are walking on a broad way which leads to destruction. वो तो एक बहुत ऐसे चौड़े मार्ग पर चलते हैं जो कि केवल विनाश की ओर ही लेकर जाता है. There are two ways. केवल दो ही मार्ग हैं. One is a very broad way. एक तो बहुत चौड़ा मार्ग है. And it's very easy to walk on that. और उस मार्ग पर चलना बहुत ही आसान है. And whoever is born into this world will be walking on that road. और जो भी संसार में चलता है वो तो उस मार्ग पर चलता है. But the end of that road. लेकिन उस मार्ग का जो अंत है is destruction. वो तो विनाश है. And that is hell. और वो तो नरक है. Hell actually was not made for human being. और देखिए ये जो नरक है, ये तो मनुष्य जाति के लिए नहीं बनाया गया है. God made hell for Satan and his angels. परमेश्वर ने नरक को शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है. But if we follow that kingdom and walk on that broad way, we will end up where the darkness ends. We will end up in that same place. अगर हम उस मार्ग में चलते हैं और उस चौड़े मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चय वो मार्ग जहाँ पर लेकर जाता है, उसी जगह पर हम पहुँचेंगे. वहाँ पर हम उस विनाश की ओर ही पहुँचेंगे. Because God has made that place to finally punish Satan and his angels forever in that place. क्योंकि परमेश्वर ने वो जगह इसलिए बनाई है कि वहाँ पर वो अंत में जो है शैतान को और उसके दूतों को हमेशा हमेशा के लिए दंड देता जाए. It's a place of fire and torment and everlasting punishment. और ये तो आग की और सताव की और अनंत काल के दंड की ऐसी जगह वो है. वहाँ पर बहुत पीड़ा है. Not for human being. ये मनुष्यों के लिए नहीं है. God made it for the devil and his angels. लेकिन परमेश्वर ने ये सब कुछ जो है, ये तो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है. But we human beings who walk on that broad path will end up in the same place. लेकिन हम मनुष्य जो इस मार्ग में चलते हैं, निश्चय ही हम भी उसी जगह पर पहुँच जाएंगे. In Matthew chapter 7 verse 13. मत्ती अध्याय 7 वचन 13 में हम इस तरह से देखते हैं. The Bible says. बाइबल कहती है. Enter in at the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many that are going in that direction. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं.
So the second point is the people who are in the kingdom of darkness are on the broad way to destruction. यानी दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग अंधकार के मार्ग पर हैं, जो अंधकार के राज्य में हैं, वो तो निश्चय ही विनाश के उस चौड़े मार्ग पर हैं. It's very easy to go on that. और उस मार्ग पर चलना बहुत ही आसान है. Just live your life as you like and you'll be on that road. बस जैसे आप चाहते वैसे अपना जीवन जी और आप उस मार्ग पर हो जाएंगे. The third thing about the people of kingdom of darkness. और अंधकार के राज्य के जो लोग हैं उनके बारे में तीसरी मुख्य बात तो ये है. There is a hopelessness. उनके पास कोई आशा नहीं होती है. They don't know what will happen after this life. वो नहीं जानते कि इस जीवन के बाद में क्या होगा, उन्हें कुछ भी पता नहीं. Some people will say, "Oh, it's his will. We don't know what he will say. He may one. Some people of certain religion say it's up to him." अब देखिए कुछ लोग जो है कुछ अलग अलग आस्थाएं के लोग हैं वो कहते हैं पता नहीं जो कुछ भी है वो परमेश्वर ही जाने. We don't know where we are going. What will happen? हम नहीं जानते कि हम कहां पर जा रहे हैं, हमारे साथ में क्या होगा. Others will say you have to come back and go so many times to improve yourself. और दूसरे लोग कहते हैं कि आपको बार बार जन्म लेना होगा, अपने आप को आपको बेहतर बनाते चले जाना होगा. And lakhs of times, thousands of times you have to be reborn and then it's hopeless. और ये लाखों और हजारों बार होगा, कई बार आपको जन्म लेना होगा और इस बात में किसी भी तरह से कोई भी आशा नहीं दिखाई देती है. And when they say you follow the set of rules, maybe you may reach heaven, who knows? और वो कहते हैं कि इन नियमों का पालन करो, कौन जाने शायद तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे, इस तरह से वो कहते हैं. So it's a hopelessness. यानी ये आशाहीनता है. There is no surety what is going to happen after this life. इस जीवन के बाद में क्या होगा इसके बारे में कोई भी शाश्वती उनके पास नहीं होती है. That characterizes those in the kingdom of darkness. और जो लोग अंधकार के राज्य में हैं, वो लोग बिल्कुल इसी तरह के लोग होते हैं. And the fourth thing about the kingdom of darkness. और अंधकार के राज्य के बारे में जो चौथी बात है वो ये है. Because they are far away from God. क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत ही ज्यादा दूर हैं. They will create many attempts to reach God. They will create many ways to reach God. वो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत सी कोशिश करते हैं, बहुत से मार्गों को वो बनाते हैं. They will create many religions. Religions are all man-made. वो बहुत सी आस्थाओं को बनाते हैं. देखिए धर्म जो है ये तो केवल मनुष्यों ने बनाया है. They will create many gods to worship. वो आराधना के लिए अपने लिए बहुत से देवताओं को बना लेती हैं. One thing we have to understand. हमें एक बात समझना होगा. Human beings are created by God. मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया है. We cannot create God with our hands. और हम अपने हाथों से परमेश्वर को नहीं बना सकते. What we make. हम जो कुछ बनाते हैं. We cannot give life to it. हम उसे जीवन नहीं दे सकते हैं. They cannot talk. वो बात नहीं कर सकते. They cannot move. वो आगे नहीं बढ़ सकते. Because we have made them with our own hands. क्योंकि हमने उन्हें अपने हाथों से बनाया है. But God the creator has made us. लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें बनाया है. Not that we have made him, but he made us. ये नहीं कि हमने उसे बनाया लेकिन उसने हमें बनाया है. But people who are in the kingdom of darkness. लेकिन जो लोग अंधकार के राज्य में हैं. Will be producing so many ways to reach God. वो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत से मार्गों को बनाते चले जाते हैं. They will be trying to do so many things to make themselves righteous. वो अपने आप को धर्मी बनाने के लिए बहुत से काम करने की कोशिश करते हैं. They will go to many places and pilgrimages. वो तो बहुत से तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं. They think that by doing all these things. वो सोचते हैं कि ये सब कुछ करने by से. By drinking certain specific waters. कुछ खास पानी पीने से. Eating certain foods. और कुछ खास भोजन करने से. Or taking out certain things from your life and being very punishing yourself. और अपने जीवन से कुछ बातों को निकाल कर मानो जैसे खुद को केवल दंड देने से ही. They think they will become righteous. वो सोचते हैं कि वो धर्मी हो जाएंगे. But the Bible says. लेकिन बाइबल कहती है. Isaiah 64 verse 6. यशया अध्याय 64 वचन 6 में बाइबल कहती है. But we all are as unclean things and all our righteousnesses are as filthy rags and we all do fade as the leaf and our iniquities like the wind has taken us away. हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं. हम सब के सब पत्तों के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है. This is the condition of those of people who are in darkness trying to achieve the righteousness. This is the condition. और यही तो उन लोगों की दशा है जो अंधकार में और वो धार्मिकता को हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनकी बस यही दशा है. In the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में. All our righteousnesses. हमारी सारी धार्मिकता. All our attempts to make ourselves holy. अपने आप को पवित्र बनाने की हमारी सारी जो कोशिश है. Is like dirty cloth before him. ये तो उसके सामने बिल्कुल गंदे कपड़े मैले चिथड़े जैसे हैं. We can never come to his standard. हम कभी भी उसके स्तर पर नहीं आ सकते हैं. God is absolutely holy. परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र है. Heaven is absolutely holy. स्वर्ग जो है वो पूरी तरह से पवित्र है. The kingdom of light is absolutely holy. ज्योति का राज्य पूरी तरह से पवित्र है.
By our attempts to become righteous, we will never enter that place. हमारे धर्मी होने की कोशिश करने के द्वारा हम कभी भी उस जगह पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं. But there is a way to come there. लेकिन वहाँ पर आने के लिए एक मार्ग है. All of us who are born in this world. हम में से हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्मा है. God has given us an opportunity. परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है. That we can come out of the kingdom of darkness. कि हम अंधकार के राज्य में से बाहर आएं. And we can become citizens of the kingdom of light. और हम ज्योति के राज्य के नागरिक हो जाएं. God has prepared a place for us. परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार की. Mansions are in heaven. स्वर्ग में बड़े बंगले हैं. A beautiful place. और वो तो बहुत ही सुंदर जगह है. Why don't you become a member of that kingdom? क्यों ना आप उस राज्य के सदस्य बन जाएं? You will be there when you die. You will not suffer again. You will not come back again. You will go straight to that kingdom. और आप मरने के बाद सीधा वहाँ पर जाएंगे. आप दुख नहीं उठाएंगे. आप सीधा वहाँ पर जाएंगे और सदा के लिए स्वर्ग में रहेंगे. How do you get the passport for that kingdom? आप उस राज्य के लिए पासपोर्ट कैसे पा सकते हैं? There's one way. केवल एक ही तरीका है. God sent his son Jesus Christ. परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा. To this world. इस संसार में. To pay the price for the sins that we have committed. कि हमने जो पाप किए हैं उसके लिए वो दाम चुकाए. He came to destroy the works of darkness. वो अंधकार के कामों को नाश करने के लिए आया है. He came to take the prisoners out of the hand of Satan. वो इसलिए आया है कि जो बंदी हैं उन्हें शैतान के हाथों से निकाले. And those who believe in him. और जो उस पर विश्वास करते हैं. What he has done. जो कुछ उसने किया उस पर. And those who repent. और जो लोग पश्चाताप करते हैं. Who turn away from darkness. जो अंधकार से फिर जाते हैं. And look unto Jesus. और यीशु की ओर देखते जाते हैं. They will become members of the kingdom of light. वही ज्योति के राज्य के सदस्य होते हैं. Do you want to be a member of the kingdom of light? क्या आप ज्योति के राज्य के सदस्य बनना चाहते हैं? Then why don't you pray with me? तो क्यों ना मेरे साथ प्रार्थना करें? Sincerely repent of your sin. आप अपने पापों से ईमानदारी से पश्चाताप कीजिए. Turn away from your old ways. अपने पुराने मार्गों से फिर जाएं. Turn to Jesus. यीशु के पास आए. And he will touch you. और वो आपको स्पर्श करेगा. There must be a true sincere turning. सच में ईमानदारी से आप उसकी ओर फिर कर आ जाएं. If you do not turn in your heart away from the old ways, then God will not hear your prayer. अगर आप पुराने मार्गों से अपने पूरे दिल से न फिर जाएं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा. Will you pray with me now? क्या आप अभी मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? Pray this prayer sincerely with your heart. अपने पूरे दिल से ये प्रार्थना कीजिए. And today you will become a member of the kingdom of light. और आज आप ज्योति के राज्य के सदस्य हो जाएंगे. Pray with me. मेरे साथ प्रार्थना कीजिए. Lord Jesus. प्रभु यीशु. I am a sinner. मैं एक पापी हूँ. I repent of my sin. मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ. I am sorry for what I have done. मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ कर. All the sins I have committed. मैंने जो कुछ भी पाप किए हैं. I turn away from them. मैं उन सभी से फिर जाता हूँ. I turn to you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं तेरी ओर आ जाता हूँ. I believe you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है. I believe you died on the cross for my sin. मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा. And I believe you rose again on the third day. मैं विश्वास करता हूँ तू तीसरे दिन फिर से जी उठा है. Forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा कर. From today I want to follow you. आज से मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ. Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे दिल में आ. Fill me with your Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे. Make me your child. और मुझे अपनी संतान बना. In Jesus name. यीशु के नाम में. I pray. Amen. मैं प्रार्थना करता हूँ. आमेन. If you have prayed that prayer. अगर आपने ये प्रार्थना की है. God has heard you. तो परमेश्वर ने आपकी सुनी है. Jesus God said. क्योंकि यीशु ने कहा है. Whoever comes to me, I will not cast away. जो भी मेरे पास में आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा. ऐसे यीशु ने कहा. And I will receive everyone who comes to me. और जो मेरे पास में आता है उन सभी को मैं स्वीकार करता हूँ. Sincerely, if you have prayed it, God has touched you today and written your name in His book. अगर आज आपने बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना की है और निश्चय पश्चाताप किया है तो परमेश्वर ने आपका नाम अपने जीवन की किताब में लिखा है. Get a Bible. आप एक बाइबल लीजिए. Start reading the Bible. इस बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए. Seriously, chapter by chapter, start reading. एक एक अध्याय करके आप इसे पढ़ते चले जाए. Find a good church. आप एक अच्छा चर्च ढूंढे. Attend the church regularly. नियमित रूप में आप उस चर्च में जाएं. Share with the pastor of the church. चर्च के पास्टर से आप बात करते चले जाएं. He will teach you. और वो आपको सिखाएंगे. And you will grow in the faith. और आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे. God bless you. प्रभु आपका आशीष दे. We'll meet again next week. I'll continue this topic next week. हम अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे. अगले हफ्ते इस विषय के बारे में हम आगे देखते जाएंगे. And I will talk about the kingdom of light. और मैं ज्योति के राज्य के बारे में आपको बताऊंगा. प्रभु आपको आशीष दे. Thank you.